नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा एमएस पेंट के अंदर हम 3D क्यूब कैसे ड्रॉ करें। तो वीडियो को एंड तक आप सब जरूर देखें। सबसे पहले हम कंट्रोल एन के साथ न्यू पेज ओपन करते हैं। न्यू पेज ओपन करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके अंदर लाइन्स। लाइन्स के लिए पहले लाइन्स लेंगे, अब लाइन्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे इस साइड से, इस प्रकार से क्यूब बना रहे हैं तो सारी लाइंस हमारी इक्वल टाइप की होनी चाहिए। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसके टाइप ऑपोजिट साइड में भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इस प्रकार से इसके एंडिंग में रखेंगे। अब हम कलर लेंगे, येलो कलर से हम इसके अंदर के कलर को कर देंगे, रेड से एक कलर करेंगे, ब्लू करेंगे, ग्रीन करेंगे, जैसे आपकी मर्जी, क्यूब जिस प्रकार के कलर की हो सकते हैं आप कर सकते हो। करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसको, हाँ बॉर्डर बनाने के लिए शेप ले सकते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक के बॉर्डर को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कंट्रोल प्लस से इसकी विथ को बढ़ा देते हैं, कलर इसके अंदर फिल कर देते हैं कुछ इस प्रकार का, एंड सारी आउटलाइन को हम कर देते हैं व्हाइट कलर। ये लीजिए हमारी क्यूब रेडी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.